हाँ तो नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है दिशा ऑनलाइन क्लासेस में। कहते हैं कि अगर आप संस्कृत का व्याकरण पढ़ लेते हैं तो ये आपके लिए बोनस हो जाता है। आप बोलोगे सर कैसे बोनस होता है, तो देखो मैं आपको अच्छे समझाता हूँ। सबसे पहली बात ये है कि 100 ऑब्जेक्टिव आपके एग्ज़ाम में आएंगे, बिहार बोर्ड मैट्रिक एग्ज़ाम में 2022 के लिए 23 के लिए जो भी पढ़ें आप, ठीक है ना। तो 100 ऑब्जेक्टिव में से 45 क्वेश्चन आता है ऑब्जेक्टिव बुक से और 55 क्वेश्चन व्याकरण से आता है। और 45 में से आप कितनों कम पढ़ेंगे, अगर आप मेरे चैनल से पढ़ते हैं तो 45 में से आप 42 सही मारोगे। तो 8 ऑब्जेक्टिव के लिए आपको व्याकरण पढ़ना ही पड़ेगा, ठीक है ना, ये कहते हैं। लेकिन प्यारे बच्चों, अगर कभी ऐसा होता है कि व्याकरण अगर आप पढ़ लेते हैं पूरा तो आपको बहुत फ़ायदा मिल जाता है, ठीक है ना। तो आप व्याकरण से ज़्यादा नंबर ला सकते हैं। तो आपको बुक तो मैं कराऊंगा और प्लस में आपको मैं अब लेके चलता हूँ व्याकरण। तो आपको पूरा फोकस करना है व्याकरण पर आज से, ठीक है ना। तो चलिए, सबसे पहली बात ये है कि, है ना, देखिए सब्से पहली बात, है ना, आपका सब्जेक्टिव हो गया, ऑब्जेक्टिव हो गया आपका नंबर 50 का। अब बचे आपका 50 नंबर का सब्जेक्टिव। पहले आप समझिए अच्छे से कि सब्जेक्टिव कहाँ से आएगा। 50 सब्जेक्टिव में से सबसे पहली चीज़ आता है गद्यांश। गद्यांश आपका आएगा 13 नंबर का। कितना नंबर का आएगा? 13 नंबर का। उसके बाद दूसरे नंबर में जो आपका आने वाला है वो है आपका पत्र लेखन। पत्र लेखन 2 आता है, पत्र लेखन में आपका हो जाएगा 8 अंक, ठीक है ना। उसके बाद आपका आता है अनुच्छेद, किसी एक पर आपको लिखना है अनुच्छेद। अनुच्छेद में आपको मिल जाएगा 7 नंबर, ठीक है ना। उसके बाद आता है अनुवाद, अनुवाद में आपका आता है 6 नंबर, ठीक है ना। उसके बाद आता है प्रश्न और उत्तर। प्रश्न और उत्तर तो बुक से होते हैं तो 16 नंबर यहाँ आते हैं, ठीक है ना। प्रश्न और उत्तर में से आपके हो जाएंगे 16 नंबर, ठीक है ना। तो यहाँ कर देते हैं 8 × 2 बराबर कर देते हैं 16 नंबर। और आपके बच गए क्या? अब आपके पास कुछ नहीं बचे, ठीक है ना। यही चीज़ आता है। तो देखो कितना ईजी है, गद्यांश बहुत ईजी है 13 नंबर के, उसके बाद पत्र लेखन भी आपका बहुत ईजी है 8 नंबर का। चलो ये थोड़ा सा डाउट है तो हटाओ इसको। अनुच्छेद भी, ये भी थोड़ा डाउट है। अनुवाद हल्का है, ये मैं पढ़ा दूँ। ये देखो 19 नंबर और यहाँ से आपके 19 और 16 आपके, ये जो है ना 35 नंबर, ये बिल्कुल आसान है, खूब आसान है 35 नंबर, ठीक है ना। तो 35 नंबर के लिए अगर आप उतना व्याकरण नहीं भी पढ़ते हैं फिर भी हो जाएगा, लेकिन आपको पूरा कुछ करना है, ठीक है ना। तो देखो इधर ज़्यादा दिक्कत नहीं है, थोड़ा सा हम लोग व्याकरण को अगर ऊपर ऊपर ही थोड़ा सा पढ़ लेते हैं पूरा व्याकरण तो थोड़ा सा मन खुश हो जाता है। तो आज से हम ये आपको स्टार्ट करते हैं, प्लेलिस्ट बना देंगे हम। प्लेलिस्ट में जाकर के रोजाना हम प्रयास करें आपको एक वीडियो संस्कृत का दें, ठीक है ना, और उससे आप व्याकरण को ठीक कर लेते हैं। लेकिन हम शॉर्टकट में पढ़ा रहे हैं बच्चों, बहुत हम ज़्यादा शॉर्टकट करेंगे ताकि आपका सिलेबस भी टाइम से खत्म हो जाए, ऐसा नहीं कि आपको लेट हो जाए। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं आज से। पहले वीडियो में हम एक बार आपको पहले ही लिंक पढ़ा चुके हैं, फिर भी एक बार हम आप लोगों को स्पीड में रिविजन कर देते हैं। लिंग किसे कहते हैं, है ना। जिस शब्द से स्त्री या पुरुष या नपुंसक का बोध होता है हम उसे लिंग कहते हैं। जैसे बालक क्या है? पुल्लिंग है। बालिका स्त्रीलिंग है। और फल बोले तो ये ना तो पुल्लिंग है ना तो स्त्रीलिंग है, ये तो निर्जीव है, इसलिए हम उसे नपुंसक कहते हैं, ठीक है ना। तो याद रखिएगा कि लिंग संस्कृत में कितने होते हैं, ऑब्जेक्टिव में आएगा तो 3 मारिएगा। कौन कौन सा? तो पहला सर जी पुल्लिंग, और दूसरा बोलो स्त्रीलिंग, और तीसरा होता है नपुंसक, ठीक है ना। तो सर कलम क्या है बोलो? तो कलम देखो ये तो चलता फिरता नहीं है, यानी ये हमारा स्त्रीलिंग पुल्लिंग हम इसे नहीं बोलेंगे, हम इसे बोलेंगे नपुंसक कहेंगे। चलते हैं, आप चलते हैं पुरुष में। पुरुष समझते हैं, पुरुष तो हिंदी अंग्रेजी संस्कृत सब में 3 होते हैं। पहला होता है उत्तम पुरुष, बोलने वाले को उत्तम पुरुष कहते हैं। जैसे अहम, आवाम और वयम। अहम मतलब मैं होता है, आवाम मतलब हम दोनों होता है, और वयम मतलब हम लोग होते हैं। तीसरा हमारा आता है कि मध्यम पुरुष। मध्यम पुरुष है ना, सुनने वाले को हम मध्यम पुरुष कहते हैं। जैसे कि त्वम मतलब तू, युवाम मतलब तुम दोनों, युजम मतलब तुम लोग। ये हो गए आपके मध्यम पुरुष। तीसरा आता है प्रथम पुरुष। प्रथम पुरुष जिसके बारे में बोला जाए उसे प्रथम पुरुष कहते हैं। सह, तौ, ते। संस्कृत में उल्टा होता है, हिंदी में प्रथम पुरुष मतलब होता है बोलने वाला, संस्कृत में उत्तम पुरुष मतलब होता है, ठीक है ना। तो थोड़ा सा यहाँ पर आपको याद रखना है, ठीक है ना, जिसके बारे में बोला जाए। चलिए अब चलते हैं, जैसे यहाँ पर देखो पठ में आपको पढ़ना है ना। जैसे प्रथम पुरुष में कौन कौन से हो गए? प्रथम में हो गए सह, तौ, ते, यानी कि वह, वे दोनों, वे लोग। मध्यम पुरुष में हो गए त्वम, युवाम, युजम। और उत्तम पुरुष में हो गए अहम, आवाम और वयम। ये आपको याद करना है। ये बिल्कुल कुछ भी नहीं है, ये है वह को संस्कृत में हम सह कहते हैं, वे दोनों को तौ कहते हैं, वे लोग को ते कहते हैं, तुम को संस्कृत में त्वम कहते हैं, तुम दोनों को संस्कृत में युवाम कहते हैं, तुम लोग को संस्कृत में युयम कहते हैं, मैं को संस्कृत में अहम कहते हैं, हम दोनों को आवाम कहते हैं, हम लोगों को वयम कहते हैं। अगर ये चीज़ आपको याद है, पहले ही मैंने बताया, तो कमेंट बॉक्स में आप लोग यस कर देना कि सर मुझे याद है, ठीक है ना। और ये आपको याद होना भी चाहिए, नहीं है तो आप याद कर लीजिए। क्या बोला? वह, वे दोनों, वे लोग, तुम दोनों, तुम लोग, मैं, हम दोनों, हम लोग। चलिए आगे देखते हैं कि वचन। वचन जो होता है ना, वचन के अनुसार ना, वचन और लिंग है ना। वचन क्या है? पुल्लिंग में,
पुल्लिंग में देखो कैसे लिखते हैं, ध्यान दीजिए, बालकः बालकोः बालकः, देवः देवोः देवः, छात्रः छात्रो छात्रः। बालकः का मतलब हुआ यहाँ पर एक वचन, बालकोः मतलब हुआ दो वचन, और बालकः मतलब हो गया, बालकः मतलब क्या हो गया, मतलब हो गया अनेक वचन। आप इस पर ध्यान मत दीजिए, छोड़िए इसको, ये तो गलत लिख दिया, कोई बच्चे ने गलत लिखा ये। बालकः बालको बालकः, अगर कहेगा एक बालक, तो एक बालक को संस्कृत में हम लोग कहते हैं बालकः। बालकः मतलब होता है एक बालक। दो बालक को संस्कृत में कहते हैं बालको, और अधिक बालक हैं तो हम उसे कहेंगे बालकः। समझ गए ना? जैसे कि मान के चलो कि एक लड़का, एक लड़का, तो हम उसे क्या बोलेंगे, एक को बोलेंगे एकः, और लड़का को बोलेंगे बालकः, बालकः, सॉरी बालकः बोलेंगे, है ना। जैसे कि देव, देव को बोलेंगे देवः। समझ रहे हैं मेरी बात को? यस। तो ऐसे याद रखना है कि जैसे देखो, बालकः बालको बालकः, देवः देवो देवा, छात्रा छात्रो छात्रा। तो आपको पुल्लिंग में ऐसे बोलना है, बोलिए मेरे साथ, बोलिए, तो बोलिए, बालकः बालको बालकः, देवः देवो देवः, छात्रः छात्रो छात्रा। तीनों में सेम है, देखो यहाँ पर इसमें विसर्ग है, विसर्ग है, विसर्ग है, औ औ औ है, आह 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 आह, है ना। चलिए, तो ये हो गया पुल्लिंग के लिए। स्त्रीलिंग में कैसे बोलना है? स्त्रीलिंग में कोई इसका होता नियम नहीं है। जैसे देखो, लता लते लता, ठीक है ना, गीता गीते गीता, सीता सीती सीता, ठीक है ना, ये इसको ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये नहीं है। आप यहाँ पर देखना, यहाँ पर फल वाले में, नपुंसक वाले में याद रखना है आपको, नपुंसक वाला बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे इसमें सभी जितने भी निर्जीव चीज़ हैं वो सब इसमें आते हैं। इसमें भी, इसमें कैसे बोलना, ये गलत लिखा है यार, क्या बच्चे, फलम फले फलानी, पुस्तकम पुस्तके पुस्तकानी, कलमम कलमम कलमानी, कैसे होता है, ध्यान दीजिए, याद रखना आपको। हम इसको ऐसे बोलते हैं, फलम मतलब एक फल हुआ, फले मतलब दो फल हुआ, फलानी मतलब बहुत सारे फल। जैसे ना, है ना, कि एक पुस्तक, एक पुस्तक मैं पढ़ता हूँ, एक पुस्तक मैं पढ़ता हूँ, ठीक है। तो बोलो एक का, बोलो एक का, अगर अगर कोई निर्जीव चीज़ है तो हम एक को संस्कृत में बोलेंगे एकम, पुस्तक को बोलते हैं पुस्तकम, मैं को क्या बोलेंगे अहम, पढ़ता हूँ तो पठामी। तो क्या लिखेंगे, एकम पुस्तकम अहम पठामी, एक पुस्तक मैं पढ़ता हूँ या मैं पढ़ती हूँ। तो अगर कोई, ध्यान दीजिएगा यहाँ पर, एक के लिए ध्यान दीजिएगा, एक लड़का है तो इसका अलग संस्कृत होगा, एक लड़की है तो इसका अलग संस्कृत होगा, और एक किताब है यानी पुस्तक है तो इसका अलग संस्कृत होगा, ठीक है ना, लिंग के अनुसार से। एक लड़का है तो हम इसे कहेंगे एकः बालकः बालकः, ठीक है ना, एकः बालकः। एक लड़की है तो एक लड़की को अगर है तो लड़की को एका बोला जाता है, एक को एका बोलते हैं, और लड़की को बोलते हैं बालिका, तो बोलेंगे एका बालिका। एक पुस्तक है तो पुस्तक के लिए निर्जीव में एकम हो जाता है, एकम पुस्तकम। यानी आपने देखा कि एक जो है वो लिंग के अनुसार से तीन तरह से लिखाता है, कभी एकह लिखाया, कभी एका लिखाया, कभी एकम लिखाया। एकह बालकः मतलब एक लड़का, एका बालिका मतलब एक लड़की, एकम पुस्तकम मतलब एक पुस्तक, ठीक है ना। तो ये आपको ध्यान रखना है। चलिए, अब यहाँ पर कुछ हमारा बताया गया, देख लीजिए, है ना, लकार के बारे में बताया गया। लकार का मतलब होता है, जैसे हम लोग टेंस पढ़ते थे, अंग्रेजी में आप लोग टेंस पढ़े होंगे, तीन तरह के टेंस होते हैं, TNSE टेंस पढ़े होंगे आप लोग, तीन तरह के टेंस होते हैं, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस। यहाँ पर उसी टेंस को हम लोग पढ़ेंगे, टेंस तो इसमें भी तीन होते हैं लेकिन यहाँ पर पाँच इसके रूप पढ़ेंगे, तीन टेंस यहाँ पर है और ये दो यहाँ पर स्पेशल चीज़ पढ़ेंगे। तो वह पढ़ता है को संस्कृत में क्या कहते हैं, वह पढ़ता है, तो वह को बोलते हैं संस्कृत में सह, और पढ़ता है तो पठती, सह पठती, यह है लट लकार में। अब इसका भविष्य काल देखिए, वह पढ़ेगा तो सह सह पठिष्यति, मतलब वह पढ़ेगा, वह पढ़ता था, सह अपठत, है ना। यहाँ पर लकार को दर्शाया गया है कि अगर वर्तमान है तो इसमें होगा लट लकार, अगर भविष्य वाली बात है तो इसमें होगा लिट लकार, अगर यहाँ पर भूत यानी बीता हुआ कोई बात है तो उसमें होगा लंग लकार, अगर किसी में होना चाहिए, है ना, किसी चीज़ को होना चाहिए तो उसमें होगा लोट लकार, ठीक है ना, और किसी चीज़ को अगर आप आदेश देते हैं या किसी से आदेश लेते हैं तो उसमें विधि लिंग लकार होता है। तो लकार आपको टोटली कितने पढ़ने हैं बताओ, पांच पढ़ने हैं, कौन कौन से, तो पढ़ले पढ़ने, लट लकार, लिट लकार, लंग लकार, लोट लकार, विधि लिंग लकार, ठीक है ना। तो ये आपको पढ़ने हैं।
चलिए अब हम लोग देखते हैं, कुल 10 लकार होते हैं, 10 लकार है हमारा, लट लकार है ना, लट लकार, लिट लकार, लुट लकार, लिट लकार, लेट लकार, लोट लकार, लंग लकार, लिट लकार, लुंड लकार, उसके बाद लिट लकार। लेकिन आपको ये पांच है ना, आपको लेकिन पढ़ने कितने हैं, बस पांच पढ़ने हैं। कौन कौन सा? तो सर हमें पढ़ने हैं लट लकार, लिट लकार, लोट लकार, लंग लकार, और उसके बाद विधि लिंग पढ़ना है, ठीक है ना। इसी में से किसी एक का नाम विधि लिंग है तो हम उसे पढ़ना है विधि लिंग। हमें पांच पढ़ने हैं टोटल, ठीक है, हमें 10 नहीं पढ़ने हैं। देखो हमें केवल पांच लकार पढ़ना है, ठीक है ना। कौन कौन सा? पहला पढ़ना है लट लकार, लिट लकार, लोट लकार, लंग लकार, है ना, लिंग, लिंग लकार को ही कहते हैं विधि लिंग लकार, ठीक है ना। ठीक है, तो हमें पांच लकार पढ़ने हैं, बस याद रखो पांच लकार ही आपको पढ़ने हैं। आइए हम देखते हैं पहला, है ना, लट लकार के बारे में पढ़ते हैं, वर्तमान काल। इसको याद करना, मैंने पहले भी पढ़ा चुका है, अगर आपने नहीं देखा तो हमारा प्लेलिस्ट है संस्कृत का, जाके देख लीजिए, वहाँ पर हमने पहले भी बहुत कुछ पढ़ाया है, ठीक है। इस बार मैंने फिर से स्टार्ट किया शुरू से। तो देखो पढ़ना, पठ धातु पढ़ना, तो लट लकार का चिन्ह होता है ती, तह, अंति, सी, थ, 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 आमी, आवह, आमह, यानी इसको ऐसे बोलते हैं, पठती, पठता, पठंती, बोलिए पठती, पठतः, पठंती। अब ऐसा नहीं कि आप इसको याद नहीं करेंगे तो आपको है ना संस्कृत में पास नहीं कीजिएगा, ऐसा कोई बात नहीं है। हमको पांच लकार याद नहीं था, फिर भी संस्कृत में सबसे ज़्यादा नंबर है, ठीक है। तो ऐसा ज़रूरी नहीं कि आपको पांच लकार याद होना चाहिए, लेकिन याद कर लेते हैं, अगर आपके पास टाइम है तो ज़रूर याद कर लीजिए, इसके लिए बहुत बेनिफिट है आपको। तो पठती, पठतः, पठंती, पठसी, पठतः, पठत, पठामी, पठावः, पठामः, और अधिकांश बच्चों को ये तो पहला वाला लकार सबको याद होता है ना। इसमें बोलो तो है ना, इसमें अगर हमको बोलना है गम में, कैसे बोलना है गम में, कैसे बोलें, गम धातु में क्या बैठता है, गच्छ, कैसे बोलें, गच्छति, गच्छत, गच्छन्ती, गच्छसी, गच्छथ, गच्छत, गच्छामी, गच्छावः, गच्छामः, मेरे साथ बोलिए, है ना। धौ धातु में धावती, धावतः, धावन्ती, धावती, धावतः, धावन्ती, धावसी, धावतः, धावथ, धवामि, धवावः, धवामः, बोलिए लिखति, लिखत, लिखन्ति, लिखसी, लिखतः, लिखत, लिखामि, लिखावः, लिखामः। ये है किसके लिए? ये है वह के लिए, ये वह दोनों, वे लोग, तुम दोनों, तुम लोग, मैं, हम दोनों, हम लोग, मैं अगर रहेगा कि मैं पढ़ता हूँ तो लिखेंगे मैं को संस्कृत में क्या बोलते हैं, अहम, और पढ़ता हूँ को पठामि, है ना। तो इसके अनुसार से आपको चलना है, पठती, पठता, पठंती, पठसी, पठता, पठत, पठामि, पठाव, पठामः। चलिए बोलिए, तो बोलिए बिना देखे सर, पठती, पठतः, पठतः, पठंती, याद कीजिए, रोक रोक के वीडियो, पठसी, पठतः, पठत, पठामि, पठावः, और पठामः, ऐसे रोक रोक के वीडियो को लिख के याद कीजिए। ये है पहला लकार, है ना। अब इसमें अगर आपसे ये पूछ ले कि पठ धातु में, है ना, अगर आपसे पूछे पठती में मूल धातु क्या है, तो आंसर दीजिएगा पठ, पठावो में, है ना, आपका मूल धातु क्या है, तो देखिएगा पठ, या फिर ये पूछेगा पठंती कौन सा लकार है, तो देखिएगा हमारा कौन सा लकार है, ये लट लकार है, लट लकार सामान्य वर्तमान काल, वर्तमान काल है, ठीक है ना। तो ये है हमारा लट लकार पढ़ रहे थे हम लोग, पहले भी हम पढ़ाए हैं, एक बार फिर से एक बार हम पढ़ा देते हैं आप लोग को, अगर नहीं दिखा था उसका प्ले लिस्ट हम डाल देते हैं नीचे संस्कृत का, जाके देख लीजिए हम क्या क्या पढ़ा दिए, पहले वहाँ जाके पढ़ लीजिए वो सब चीज़, ठीक है। चलिए अब इसी को अस धातु में अगर हम लोग बोलेंगे, तो अस धातु में हम ऐसे बोलेंगे, है ना, अस धातु में बोलेंगे असति, सतः, संति, यानी इसका मतलब हुआ कि है, है, हैं, असि, सतः, सत, अस्मि, अस्वः, अस्मः। देखिए इसका प्रयोग हम लोग तब करते हैं जब है वाला चीज आता है, जैसे देखिए, जैसे हम लिखेंगे कि राम एक लड़का है, जैसे यहाँ पे है ना, जैसे राम एक लड़का है, नीचे हम बताए होंगे लड़का है, तो राम को क्या बोलेंगे, रामः, एक को क्या बोलेंगे, एकः, लड़का को क्या बोलते हैं, बालकः, और है का क्या लिखते हैं, है का यही लिखते हैं असति, असति मतलब होता है, और दो ठो अगर कोई चीज़ है तो सतः, और अधिक है तो संति, हूँ वाला है तो नीचे में हूँ वाला है, देखिए हूँ वाला यहाँ पर है कि अस्मि मतलब हूँ, जैसे कि मैं शिक्षक हूँ, कैसे लिखेंगे, अहम एक शिक्षक अस्मि, मैं एक शिक्षक हूँ, कैसे लिखेंगे, अहम एक शिक्षक अस्मि, हम दोनों तो स्वः लिखेंगे, हम लोग तो अस्मः लिखेंगे, हम लोग भारतीय हैं, वयम, हम लोग को क्या बोलते हैं, वयम, भारतीय को भारतीय,
भारतीय अस्मह हो जाएगा। तो लट लकार के अब उपयोग को नीचे देखिए, हम उपयोग बहुत सारा ट्रांसलेशन बनाए होंगे। पहला क्या बनाए हैं कि राम विद्यालय जाता है, तो राम ऊपर में है, राम कौन सा वचन है पहले बताइए, सॉरी राम कौन सा वचन है, तो एक वचन है, राम एक वचन है, और कौन सा पुरुष है, तो राम प्रथम पुरुष होता है, प्रथम सबसे ऊपर में इसका होता है। तो राम विद्यालय जाता है, कैसे लिखेंगे, राम को लिखते हैं राम, विद्यालय को विद्यालयम, याद है आपको, फल को क्या लिखे थे, फलम, फल को फलम लिखे थे, कलम को कलमम लिखेंगे, तो विद्यालय को विद्यालयम लिखेंगे। तो हम ऐसे बोलेंगे कि राम विद्यालयम जाता है तो गच्छति, गच्छति, अगर राम और श्याम दोनों जाता तो लिखते गच्छतः, और बहुत सारे लोग जाते तो लिखते गच्छन्ति, तो गच्छति गच्छतः गच्छन्ति, एक जाए तो गच्छतः, दो जाए तो गच्छत, है ना, सॉरी एक जाए तो गच्छति, दो जाए तो गच्छतः, और बहुत जाए तो गच्छन्ति। तो राम विद्यालयम गच्छन्ति का मतलब होता है कि राम विद्यालय जाते हैं। अगला देखिए, राम और श्याम विद्यालय जाते हैं, तो राम और का च श्याम विद्यालयम गच्छतः। नेक्स्ट पढ़िए, वे लोग रोज विद्यालय जाते हैं, तो वे लोग को क्या बोलते हैं संस्कृत में, ते बोलते हैं, याद है, सहतोतय, सहतोतय मतलब सह मतलब वह, तव मतलब वे दोनों, तय मतलब वे लोग, सहतोतय, वे लोग रोज विद्यालय जाते हैं, तो ते प्रतिदिनम, रोज को क्या बोलते हैं, रोज को क्या बोलते हैं, प्रतिदिनम विद्यालयम गच्छन्ति, गच्छन्ति क्यों लिखें बताइए, तो गच्छति गच्छता गच्छन्ति, एक आदमी है तो गच्छति, दो है तो गच्छता, और बहुत सारा है तो गच्छन्ति, तो ते प्रतिदिनम विद्यालयम गच्छन्ति, हो गया। आगे पढ़िए, तुम रोज व्याकरण पढ़ते हो, तुमको क्या बोलते हैं, त्वम, रोज को, प्रतिदिनम व्याकरण को, व्याकरणम पढ़ते हो, तो पठसी, क्यों दिए पठसी बताइए, तो पठती पठता पठंती पठसी पठती, यानी तुम जो है ये मध्यम पुरुष है, सुनने वाला है, तुम मध्यम पुरुष में याद कीजिए क्या होता है, पठसी, यहाँ देखिए, यहाँ देखिए, तुम वाला में देखिए मध्यम पुरुष है ना, यहाँ देखिए क्या है, मध्यम पुरुष, यहाँ क्या होता है, वह, वह, वे दोनों, वे लोग, तुम दोनों, तुम लोग, तो तुम के लिए क्या होता है, पठसी होता है, ठीक है, इसलिए यहाँ पर दिए हैं पठसी, देखिए है ना, तुम रोज व्याकरण पढ़ते हो, त्वम प्रतिदिनम, रोज को क्या बोलते हैं, प्रतिदिनम, व्याकरण को व्याकरणम, और पढ़ते हो को पठसी बोलते हैं, कुछ बच्चा पठती लिख देता, नहीं, पठती किसके लिए होगा, पठती होगा कोई नाम के लिए या वह के लिए, कोई नाम या वह के जगह में पठती देते हैं, समझे ना, जहाँ पर इजे वहाँ आर कैसे लगाइएगा, तुम दोनों रोज नाटक देखते हो, बोलो तुमको है ना, तुम दोनों को क्या बोलते हैं संस्कृत में, युवाम, रोज को, प्रतिदिनम, नाटक को नाटकम होना चाहिए, या नाटक हो दिया कोई दिक्कत नहीं है, देखते हो तो पश्यत, पश्य, तुम लोग सुबह सुबह कहाँ जाते हो, तो तुम लोग को क्या बोल लेंगे, यूयम मतलब होता है तुम लोग, सुबह को सुबह सुबह कह, प्रातः प्रातः, कहाँ को क्या बोलते हैं, कुत्र, जाते हो तो गच्छत। अगला है हमारा कि मैं रोज सुबह गणित नहीं पढ़ता हूँ, अहम, रोज को बोलो, प्रतिदिनम सुबह सुबह है ना, सुबह मतलब प्रातः काले, गणितम न पठामी, मैं रोज सुबह गणित नहीं पढ़ता हूँ, हम लोग विद्यालय नहीं जाते, हम दोनों विद्यालय नहीं जाते, तो हम दोनों को क्या बोलते हैं संस्कृत में, आवाम, विद्यालय को विद्यालयम, नहीं को न गच्छाव। अगला पढ़िए, हम लोग रोज शाम मैदान में बैठते हैं, तो वयम प्रतिदिनम संध्या काले क्रीड़ा क्षेत्रे, मैदान में मतलब क्रीड़ा क्षेत्रे बैठने को तिष्ठामः। दूसरा देखिए, और कुछ देख लीजिए, अगर ये वाला देख लीजिए, जैसा पाठ है वाला जिसमें पढ़ते अस धातु वाला, अस वाला याद कीजिए, थोड़ा सा अच्छा देख लीजिए एक बार फिर से, चलिए क्योंकि हम लोग को पढ़ना है ट्रांसलेशन, पढ़िए क्या लिखा है, असति सतः संति, असि सतः सत, अस्मि अस्वः अस्मः, इसको देख करके अब यहाँ पढ़ाइए, पढ़िए, राम एक बुद्धिमान छात्र है, तो राम को क्या बोलेंगे, राम, एक को एक, बुद्धिमान को बुद्धिमान, छात्र को छात्र, अस्ति, है को क्या बोलते हैं, है को बोलते हैं अस्ति। नेक्स्ट, मैं एक किसान हूँ, बोलिए मैं को, अहम एक किसान अस्मि, या फिर कृषक लिख सकते हैं, किसान के जगह हम क्या लिख सकते हैं, कृषक होता है, कृषक अस्मि, चलिए कोई दिक्कत नहीं। मेरा दोस्त श्याम, मेरा दोस्त, तो मेरा क्या बोलते हैं, मम, दोस्त को मित्र,
मित्र, श्याम को श्याम, एक को एक, गरीब मतलब निर्धन, किसान मतलब कृषक, है का अस्ति। तो मेरा दोस्त श्याम एक गरीब किसान है, तो मम मित्र श्याम एक निर्धन कृषक अस्ति। नेक्स्ट, मेरे दो मित्र रमेश और सुरेश गरीब छात्र हैं। तो मेरे दो, तो बोलो मम, दो का क्या बोलते हैं, द्वय, मित्र को मित्रो होना चाहिए। तो मम द्वौ मित्रो रमेशः च सुरेशः निर्धनः छात्रो अस्तः। सतः क्यों लिखें, क्योंकि एक रहता तो लिखते हैं हम लोग असी, है ना। चलो नेक्स्ट, सॉरी, अगर एक रहता तो लिखते हैं हम लोग अस्ति, और दो है तो क्या लिखते हैं सतः। सॉरी, अगला है, वे लोग हमारे मित्र नहीं हैं। तो वे लोग का बोलो ते, हमारे का बोलो अस्माकम, मित्र को मित्रा न संति। हमारे देश का नाम भारत है, अस्माकम देशस्य, देश का पूछे तो देशस्य, देशस्य आदस्य, ये वाला देशस्य, अस्माकम देशस्य नाम भारत, है ना, अस्माकम देशस्य, है ना, देशस्य नाम भारत अस्ति, या फिर नामम भी यहाँ दे सकते हैं, लेकिन नाम भी ठीक है, नाम अस्ति, है ना। तो आज हम इतना ही रखते हैं आज की क्लास में, फिर अगला वीडियो आपको मिलेगा, है ना। अगर आप इस वीडियो को अपलोड होने के कुछ दिन बाद देखते हैं तो नीचे प्लेलिस्ट में जाइए, आपको पूरा मिलेगा। नहीं तो अगर स्टार्टिंग करना है, आज शुरू किए हैं देखना, आज हम वीडियो डालना शुरू किए हैं, तो आप आराम कीजिए, कल दूसरा वीडियो मिलेगा। तो ये वीडियो कैसा लगा आप लोगों को, कुछ सीखने को मिला या नहीं मिला, आप लोग मुझे कमेंट कीजिएगा। संस्कृत में क्या पढ़ाना है और वो चीज़ आप कमेंट कीजिए, सर ये पढ़ा दीजिए, वो पढ़ा दीजिए, ये सब संस्कृत में, और फालतू विषय मत कीजिए कमेंट। संस्कृत में कुछ अगर, है ना, आपको लगता है हम जल्दी पढ़ा दें तो बोलिए, लेकिन हम शुरू कर रहे हैं तो स्टार्टिंग से पढ़ाएंगे, अगर फिर भी कमेंट कीजिए, अगर कुछ लगता है जल्दी पढ़ा हम उसको भी पहले पढ़ा देंगे। जय हिंद, आप लोग है ना मुझे बताइए वीडियो कैसा लगा। सबसे पहली बात, अगर आप चाहते हैं हम संस्कृत पूरा पढ़ाएं तो चैनल को सब लोग सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है ना। सब्सक्राइब के मामले में बिहार में बहुत पीछे हैं हम, ठीक है ना। वीडियोस में व्यूज़ तो ठीक ठाक आते हैं, सब्सक्राइबर बहुत कम है मेरे, तो आप लोग सब्सक्राइब जरूर कीजिए चैनल को अधिक से अधिक, ताकि 100 के हमारा जल्दी पूर जाए। धन्यवाद, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को आराम से पढ़ते रहिए, अपने ऊपर उम्मीद रखा रखिए, हमारे ऊपर भी भरोसा कीजिए, अपने ऊपर भरोसा कीजिए।